दर्द दिस इज शिवम सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो आप लोगों को आवाज़ें बहुत सारी आ रही होंगी, बट फिर भी थोड़ा चला लो। सो राइट नाउ आई एम रेडी फॉर द कॉलेज और योगेश नीचे आ चुका है और अभी हम लोग चलते हैं कॉलेज के लिए। चलो मिलते हैं नीचे। गुड मॉर्निंग योगेश। बोलो क्या हुआ, आज इतना गुस्से में क्यों है? नहीं आज थोड़ा जल्दी आने बोल रहा था तुम। सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन जो आज तक बिना हेलमेट के खेला है। अच्छा तो ठीक है, हाँ चलो। क्या हो गया ना? चलो चलो अब चलते हैं, लेट्स गो। अभी भी हाय बोल दीजिए, ब्लॉग बन रहा है। क्या मतलब? ये कैमरा है, यूट्यूब पे डालना है क्या? इसीलिए तो आपको बोल रहा है हाय बोल दीजिए। चैनल शुभम सिंह, शुभम सिंह, शुभम सिंह, हाँ ये पोर्शन सही रहता है। हाँ सुबह ये पोर्शन सही लग रहा है। मैं सुबह सब्सक्राइबर बढ़ाते हुए वाले वाले धीरे धीरे। वैसे सुबह आज किसे क्लास है पहले? अरे यार फिर भाई मतलब देख सकते हैं भारत का सबसे चहिता विदेशी शराब की दुकान जो हर एक किलोमीटर के दायरे पे आपको मिलेगी। लाइब्रेरी मिले ना मिले ये मिल जाएगा जरूर। बनानास ले लिए, अब चलते हैं कॉलेज, लेट्स गो। भी देखे तो और भी अच्छा लगेगा। एक बार जितना चक्का चढ़ जाएगा ना किसी का वीडियो देखने का, हाँ वो फील्ड में आने के बाद देखेगा। बताओ मुर्गा क्या कर रहे हैं? बताओ। कुछ नहीं, यहाँ पे युवा महोत्सव का कुछ प्रोग्राम चलने वाला है, वाद विवाद प्रतियोगिता, विपक्ष विपक्ष प्रधानमंत्री के सामने कौन सा पार्टी प्रधानमंत्री के सामने नहीं स्पीकर के सामने ना। हाँ तो अभी हम लोग क्या है ना कि हम लोग के कॉलेज में एक छोटा सा प्रोग्राम होने वाला है जिसमें हम लोग सबसे पीछे बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग को इससे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हमको तो मन कर रहा है कि बस सो जाए यहाँ पे, क्योंकि मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है और बस जैसे ही प्रोग्राम शुरू होगा हम ईयरफोन लगा के सो जाएंगे और उठेंगे डायरेक्टली प्रोग्राम के बाद। चलो विल मीट आफ्टर सम टाइम, बाय, सॉरी फिर मिलते हैं, है ना योगेश? चलो योगेश मिलते हैं कल या फिर आज दोपहर को भी मिल सकते हैं, आई मीन शाम को। चलो मिलते हैं, चलो मिलते हैं, ठीक है जा। पहले रोड क्रॉस करते हैं। हाँ हाँ सही से नहीं करता तू क्रॉस, गाड़ी तुम देख लेते। चलो
ऑलराइट गाइस, सो योगेश जा चुका है और मैं भी घर की तरफ अभी जा रहा हूँ. आई मीन घर जा रहा हूँ, घर की तरफ नहीं. सो आज का दिन बड़ा ही, क्या बताऊँ. चलो, धूप आ गया फिर से. मिलते हैं घर पर. Later that same evening. Okay, so guys, right now मैं और योगेश अभी राइड पर जा रहे हैं. आप लोग सोच रहे होंगे कि योगेश रात को क्या कर रहे हैं. सो दोपहर को ही इसने मुझे बताया था कि आज ये घर नहीं जाने वाला, आज ये अपनी बुआ के यहाँ रुकने वाला है जो कि यहीं पर है बोकारो में. सो ही टोल्ड मी उस टाइम कि अगर हम रुकते हैं तो मिलेंगे ज़रूर शाम को. सो या अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी राइड पे और देखते हैं. जब अभी हम तुम्हारे साथ तुम्हारे पास आ रहे थे ना वहाँ पे, अच्छा, तो वहाँ मोड़ पे ज़बरदस्त हमको भजिए का खुशबू आ रहा था, तो हमको खाने का मन कर गया, चाय और भजिया. कंट्रोल कर लिया तुम अपने आप को. हाँ चलो, देखते हैं अगर कहीं अच्छा मिलेगा तो खाएंगे भजिया. चलो ट्राई करते हैं. आज तक तो हम भी खाए भी होंगे तो नाम नहीं पता है कि उसी को भजिया बोलते हैं. अरे भजिया मतलब सिंपली प्याज का पकौड़ा और कुछ नहीं. हाँ हाँ, अरे उसको प्याज ही बोला जाता है ना. हाँ वो यहाँ बोला जाता है. अच्छा, ऐसे नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में तो उसको भजिया ही बोलते हैं. अच्छा अच्छा, चलो तब ट्राई किया जाए, अच्छा लगेगा तो और अच्छा दिखाएंगे. हाँ देखेंगे. सुनसान रास्ता ये है बोकारो का मेन रोड जैसा, जहाँ पे लगभग ज़्यादातर कोई गाड़ी नहीं चलता है, बस एक दो ठो हल्का फुल्का. ये है यहाँ का पॉपुलेशन. योगेश क्या लगता है हम लोग को कहाँ जाना चाहिए अभी? बोकारो का लोकल तुम है शुभम, इसलिए तुम बताएगा. हम तो इसलिए था, हम सोचेंगे शुभम के साथ एक्सप्लोर करेंगे बोकारो. तुम उल्टा हमें से पूछ रहा है कहाँ जाना है, बताओ. ये गलत हो रहा है ना. नहीं तुम बताओ, तुमको कौन सा जगह जाना है उसका रास्ता हम तुमको दिखाते हैं. कहाँ जाएगा तुम, इधर से निकलना है? हाँ निकल जाते हैं. योगेश चलो हम तुमको बताते हैं कि ये कौन सा रोड है. बताओ बोलते हैं. ये जो रोड है ना, ये सेक्टर 4 और सेक्टर 3 को अलग करता है. हम लोग के लेफ्ट साइड जो है वो सेक्टर 4 है. हाँ. और राइट साइड जो है वो सेक्टर 3 है. समझा? अच्छा. ये जो बोकारो मॉल है ये बना कब था? शायद जब हम 7th क्लास में थे तब. बहुत पहले. हाँ 2012 या 2013 में. हाँ उसी टाइम. और ये जो रोड है ये तुम्हारा वही होंडा शोरूम वाला रास्ता से निकलेगा जहाँ से हम लोग हमेशा आते हैं. कैसे? रविंद्र के घर से जाएंगे हम लोग, उधर से जाएंगे. हाँ फिर हम लोग वहाँ निकलेंगे डायरेक्ट. कहाँ? जब कॉलेज से हम लोग जब आते थे ना वहीं जाएंगे. अरे इसको ये क्या है? ये हमेशा. अच्छा ये कौन सा मैदान है, कुछ जानता है इसके बारे में? बताओ क्या ब्लॉगिंग करने का मतलब, कुछ किस्सा बताओ. क्या किस्सा बताए? इस रोड का कोई किस्सा बता देना, अगर कुछ याद है, कुछ हुआ था इस रोड में ऐसा. इस रोड में तो खैर कुछ नहीं हुआ है. इस रोड से गया है कि नहीं गया है वो भी बता दे. हाँ यहाँ से तो जनरली हमेशा आते हैं. हाँ हम अपना पहला मोटर ब्लॉगिंग इसी रोड पर किए थे. कब स्टार्ट किया था? अपने बर्थडे वाले दिन. अच्छा उसी दिन किया था? हाँ उस दिन सबसे पहले हम अपना मतलब हेलमेट में कैमरा लगा के
ब्लॉगिंग मतलब प्रॉपर मोटो ब्लॉगिंग टाइप का शुरू किए थे 26 जनवरी ना। हाँ, गोल ऐसे डला हुआ है लेकिन उसके बाद का ही फुटेज सारा गायब हो गया था। यूट्यूब वाला भी नहीं चाहता है कि इतना क्या बोलते हैं कीमती चीज़ अभी डले है, समझे। अच्छा सुमन, ये सीधा जो रास्ता गया है वो कहाँ निकलेगा, जानते हैं? हाँ, वो खटाल की तरफ जाता है। खटाल के तरफ एरिया मतलब कहीं नहीं निकलेंगे हम लोग? नहीं, हाँ आई टी लेना पड़ेगा हम लोग। अभी कुछ दिन पहले ही हम उसको एक्सप्लोर किए थे। क्या था? हाँ, वो फुटेज नहीं है उसके? नहीं नहीं, उसका हम ऐसे ही मतलब नॉर्मल ऐसे ही गए थे। अच्छा, कैमरा लेके नहीं? कैमरा लेके नहीं गया था? नहीं, एक्चुअली हमको थोड़ा टाइम बिताना था बाहर, टाइम एक्सपेंड करना था। बाजार में जा रहे क्या? ट्रैफिक